वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज बहुत कुछ आप लोगों के लिए होगा जो आपके एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी को डेवलप करेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना होगा, कितने टाइम आपको देना होगा प्रिपरेशन के लिए और क्या क्या आपको करना होगा। तो पहला बात, आप यदि नेवी SSR MR इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो दोनों हैं ये अपना स्टेट वाइज कट ऑफ डिसाइड होता है। स्टेट वाइज यदि सेम यदि डबल ए में जाइएगा तो ये ऑल इंडिया लेवल पे इसका कट ऑफ बनता है। यदि कोई बंदा ये तीनों का प्रिपरेशन एक साथ कर रहा है तो फर्स्ट उसको डबल ए SSR पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छे पोस्ट हैं, MR से फार बेटर है। इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे तो आप तो GK पढ़ ही रहे होंगे तो आपका MR का GK कवर हो गया, MR का 25 मार्क्स तो GK में कवर हो गया। और यदि आप SSR डबल ए तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस का इतना नॉलेज होगा कि MR में जो 12 मार्क्स का साइंस आता है वो भी आप कर लीजिएगा। तो MR का आपका यहाँ पर ही जो हो गया 25 और 12 कितना हुआ 37 मार्क्स आपका डिसाइड हो गया, जो आपका आएगा 13 मार्क्स का मैथ्स आएगा। तो 13 मार्क्स का मैथ्स में यदि आप SSR का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो MR का ये 13 मार्क्स में से कम आप 6 से 7 मार्क्स स्कोर कर जाइएगा तो आपका MR तो इजीली क्वालिफाई हो गया। आप यदि SSR का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यदि आप SSR पे ज़्यादा ओनली SSR दे रहे हैं तो करना क्या होगा कि SSR और डबल ए के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से प्रिपरेशन करना होगा क्योंकि बहुत से स्टेट्स का इसका कट ऑफ हाई भी जाता है। यदि आप लोग बिहार से यूपी से हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने का ज़रूरत है। मेहनत किस पोर्शन में, आपको मैथ और फिजिक्स में मेहनत करना होगा, लड़का यहीं से कट ऑफ डाउन होता है। आप इंग्लिश में कम से कम 25 में 12-13 कर ही लेते हैं और मैथ्स में आप यदि 10-12 कर लें और फिजिक्स में भी 10-12 कर लें तो टोटल आप लोग का यहीं पड़ी जो 30 मार्क्स हो गया। आपका बचा कितना मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स 15 मार्क्स चाहिए आपको। बिहार से होंगे तो 15 मार्क्स 16 मार्क्स, आप यदि ये तीनों से 35 मार्क्स उठाते हैं और यदि GK का 15 मार्क्स उठाते हैं तो 50 मार्क्स आपका हो गया SSR में आराम से नॉर्मल यदि प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको जो भी बुक पढ़ना है एक ही बुक पढ़िए जिसमें सारे नॉलेज दिया हो, अच्छा बुक हो, उसी बुक को आप 3 से 4 बार से 5 बार पढ़ लीजिए लेकिन एक ही बुक पढ़िए, 2 से 3 बुक मत पढ़िए। सारे में अलग अलग लैंग्वेज दिया रहता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, अब जो ग्रुप वाई दे रहे हैं ग्रुप वाई के एग्ज़ाम्स, उनके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोग रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंग्लिश भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि आपका कट ऑफ 50 में से 40 आपको लाना होगा तभी आपका कट ऑफ निकल पाता है। और ग्रुप एक्स के लिए आपको फिजिक्स मैथ इसमें भी थोड़ा अच्छे से देना होगा, इंग्लिश भी ध्यान देना होगा, इसमें तीनों पोर्शन में आपको ध्यान देना होगा तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप SSR के प्रिपरेशन करते होंगे तो ग्रुप एक्स आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि SSR का लेवल थोड़ा ज़्यादा आता है ग्रुप एक्स से, क्योंकि ग्रुप एक्स का जो पेपर फिजिक्स का रहता है करने लायक रहता है, मैथ्स भी करने लायक रहता है पर SSR का यहाँ पर थोड़ा टफ हो जाता है। अब चलिए नेवी MR वालों के लिए स्पेशल मैं बता देता हूँ, नेवी MR जो है उसको करना क्या है, उसको GK स्टैटिक्स GK पढ़ना है। यदि आपके पास कोई बुक नहीं है, 30 रुपये का मनोहर पांडे का बुक आता है, 30 रुपये ओनली, वो बुक आप पढ़ लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 पन्ने भी नहीं होंगे, वो बुक को आपको एकदम रट्टा मार जाना है 30 रुपये के मनोहर पांडे के बुक को। और करना क्या है, मैं जो GK का सीरीज चला रहा हूँ GK का, एक है 1000 क्वेश्चन लूसेंट प्लस अरिहंट वाला, वो पूरा कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपको सारे याद रहना चाहिए। और एक 900 GK का सीरीज चलाऊँगा, डिफरेंस बुक से क्वेश्चंस लाऊँगा MCQ में, वो क्वेश्चंस को पूरा करना होगा आपको तो आपका कितना कवर हो गया 1900 क्वेश्चंस कवर हुआ। फिर आपका आएगा साइंस के लिए, साइंस के लिए जो उसमें भी 900 क्वेश्चंस कवर होंगे जिसमें बायोलॉजी भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, बायोलॉजी फिजिकल साइंस सब रहेगा उसमें, केमिस्ट्री भी रहेगा। तो आपका देखिए यहाँ साइंस से अच्छा प्रिपरेशन हो जा रहा है। और साथ में मैं यहाँ क्या चला रहा हूँ, साथ में साइंस के कॉन्सेप्ट क्लास चला रहा हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट आए थे कि साइंस के कॉन्सेप्ट क्लास करा दीजिए सर, कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कॉन्सेप्ट क्लास डेली शाम को वीडियो दे देता हूँ। तो आपका मैं GK जो कवर करता हूँ, GK जो है नेवी MR SSR ग्रुप वाई
कोस्ट गार्ड, ये चारों जो पोजीशन है चारों के लिए सेम जीके, जीके कोई भी एग्जाम्स में डिफरेंट नहीं होता। जीके आपको आपका बेस है, कोई भी एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आता है। जीके जो है, जीके आप पढ़ लीजिए तो आपको बहुत काम देगा। कोई भी एग्ज़ाम हो इसके जीके जहाँ से पूछा जाएगा आपको, जो जीके का 1000 सीरीज है और ये 900-1900 जीके का क्वेश्चन आपको कोई यूट्यूब में नहीं कराने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको कोई नहीं कराएगा। और ये 900 जो साइंस का क्वेश्चन है प्लस ये कॉन्सेप्ट क्लास जो होगा ये आपके एग्जाम जो मार्क्स हुआ बूस्ट कर देगा। तो बस ऐसा है। अब आपका रह गया एमआर वालों के लिए मैथ्स, तो मैथ्स तो मैं नहीं करा पाऊँगा। मैथ्स आप लोग देख लीजिएगा, 12 क्वेश्चन आएगा, 12 में 4-5 से बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेसिक आपको मैथ्स पता रहना चाहिए तो आपका एमआर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। एमआर में मैथ्स बहुत आसान पूछा जाता है, जस्ट आप लोग फॉर्मूले बेस अच्छे से थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लिए तो मैथ्स आराम से हो जाएगा। और साइंस का तो मैं करवा रहा हूँ, मतलब मैं डेली 2 वीडियोस दे रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए 2 वीडियोस आ रहा है, एक सुबह आएगा एक शाम आएगा। शाम वाला साइंस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो रहेगा और जो सुबह रहेगा वो सुबह रहेगा जीके का, जो सीरीज चला रहा हूँ जीके का। अब कोई दिन हो सकता है साइंस कॉन्सेप्ट ना आए, तो उस दिन आएगा क्या है, एंटोनियम्स सिनोनियम्स। एंटोनियम्स जो करा रहा हूँ और सिनोनियम्स, सिनोनियम्स में 6600 प्लस सिनोनियम्स करा रहा हूँ। सिनोनियम जो आपका एग्जाम्स में आता है उसके हिसाब से मैं 600 प्लस सिनोनियम्स प्लस 600 प्लस एंटोनियम्स आपको करवा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में उससे बाहर एंटोनियम्स सिनोनियम्स आएगा नहीं। वन वर्ड मैंने करा रखा है, वो देख लीजिएगा आप लोग। और बेसिक जो कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट है उसको मैं जो लिंक है टेलीग्राम में दे दूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम्स को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके बाद एमआर वालों लोग के लिए तो और एक अच्छी बात है कि मैं एमआर और एसएसआर उसको जीके का 35 से 40 सेट्स ऐसे बुक्स के करवा दूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरे वीडियोस को मिस मत कीजिएगा, डेली मैं 2 वीडियोस देता हूँ, एक सुबह 5 बजे आता है एक शाम को 5 बजे आता है। टाइमिंग यही रहेगा, फिक्स रहेगा, कोई दूसरा टाइमिंग नहीं होगा। हो सकता है एक दिन में 3 वीडियो भी आ जाए, एक दिन में मैं 3 वीडियो भी डाल सकता हूँ, एक इंग्लिश के ऊपर डाल सकता हूँ सिनोनियम्स एंटोनियम्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तब और बीच बीच में मैं साइंस के क्वेश्चंस का वीडियो डालता रहूँगा, और साइंस का क्वेश्चंस मैं कॉन्सेप्ट कराने के बाद ही करूँगा, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आ सके। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लास में फोकस कीजिएगा, डेली शाम को 5 बजे कॉन्सेप्ट क्लास के वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और कोई क्वेरी हो आप लोगों का, जैसे कुछ भी रिलेटिव क्वेरी, जैसे नेवी के रिलेटेड हुआ या एयरफोर्स के रिलेटेड, आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे ग्रुप एडमिन जो है 8420, उनका ये नंबर मैं दे रहा हूँ, वो ग्रुप एडमिन है। टेलीग्राम में आप उनको मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, वो ग्रुप एडमिन रहेंगे, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर आप वहाँ से मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और मैं आपको एमआर के एग्ज़ाम्स के पहले तक ही 35 से 40 सेट्स करवा दूंगा, कहीं से भी वो मेरी ड्यूटी है। बस आप लोग रेगुलर क्लास को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो जीके का क्लास होगा वो एसएसआर, एमआर, डबल ए, कोस्ट गार्ड, ग्रुप वाई सब के लिए सेम होने वाला है। इसलिए जीके का क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो आपको बस 2-4 क्वेश्चंस करवा के छोड़ दूँ, या ऐसे 20 मिनट में 15 क्वेश्चंस करवा के। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन मतलब नहीं रखता है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। आपको ये नहीं पढ़ना है कि सहायक जो असहयोग आंदोलन है किस लिए स्थगित किया गया था, ये पढ़ना है थोड़ा सा। आप पूरा तुर्की जो रिवोल्यूशन ऑफ तुर्की है वो सब पूरा नहीं पढ़ना है, जो हार्ड पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम्स में नहीं देना है। इसलिए आप नॉर्मल रीजनेबल क्वेश्चन पढ़िए, पूरे उसके बारे में बायोडाटा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, प्रिपरेशन ज़्यादा करना है, फोकस दूसरे चीज़ों पे भी देना है। तो आप लोग अपने टाइम को उचित उपयोग करें, और नेवी यदि एसएसआर, एमआर, एसएसआर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे तो आपको देने होंगे, तभी जाके आपका एग्ज़ाम्स क्रैक होगा। और आप फिजिक्स मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जीके तो सभी कर ले जाते हैं, यदि किसी का कट ऑफ आउट होता है तो वो फिजिक्स मैथ से होता है। और एमआर वाले भी 3 से 4 घंटे पढ़ाई कीजिए। स्टैटिक्स जीके आप मनोहर पांडे, मैंने जो बुक बोल दिया वो बुक का स्टैटिक्स जीके पूरा रट्टा मार लीजिए। फिर मेरे क्वेश्चन जो डेली क्विज हो रहे हैं, डेली 900 का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज़ को फॉलो कीजिए,
जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, बस यही बतलाना था, आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कैसे भी करके MR में। यदि आप प्रिपरेशन करें तो MR में 40 प्लस आप स्ट्रेटेजी रखिए, 40-42 की स्ट्रेटेजी रखिए। SSR आप 50 प्लस रखिए, 50 प्लस काफ़ी SSR के लिए, पर MR के लिए 40 प्लस आप यदि तैयारी करते हैं तभी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। यदि आप 35 प्लस सोचते हैं तो आपका हो सकेगा स्कोर रुक जाए या ना बढ़ पाए, तो आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, मनोहर पांडे जी के अच्छे से रट लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। यदि आपका और कुछ क्वेरी हो तो मैंने ये नंबर दे दिया है बंदे का, इस बंदे को आप टेलीग्राम में मैसेज करके बोलिएगा ग्रुप में ऐड कर देने, तो ये आपको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना, लाइक करना, ये आपके ऊपर है, और अपने फ्रेंड्स में पहुँचाना ये भी आप ही के ऊपर छोड़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल सुबह आने वाला है उसमें मिलेंगे। जय हिंद।